हेलो फ्रेंड्स, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी वाले दिन मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें प्रकृति हो। क्यों ना आज इन खूबसूरत फूल पत्तों से कुछ बनाया जाए, कुछ ऐसा जो कि विशेष हो। तो मैंने ये कुछ पत्तियां जो अभी आपको दिखाई थी अपनी टेरिस गार्डन में से मैंने कुछ पत्तियां ले ली हैं। चलिए देखिए इनसे आज हम क्या बनाते हैं। फेविकॉल हमें चाहिए होगा। ये गिलोय की पत्तियां हैं। वैसे भी कोरोना महामारी में गिलोय बहुत ही ज्यादा कारगर है, तो आइए इन गिलोय की पत्तियों से हम गणपति बनाते हैं। ये गिलोय की पत्ती लेकर मैंने ऐसे चिपका दी है। दूसरी गिलोय की पत्ती ली जिससे हम कान बनाएंगे। इसका डंठल ध्यान रखिए कि हम इसका डंठल तोड़ दें। गणपति का चेहरा और उनके कान तैयार है। इन पतली वाली लीफ से हम गणपति के दांत बनाएंगे। जी हाँ, गजराज के दांत। और ये मैंने लेमन ग्रास की छोटी सी पत्ती ली है जिससे हम गणपति की सूंड बना रहे हैं। ये दो लीव्स थोड़ी बड़ी लग रही है आंखों के लिए। हाँ, ये ठीक है। ये दो छोटी लीव्स से हम गणपति की आंखें बनाएंगे। तो लीजिए गणपति तैयार है हमारे, और अब बनाएंगे गणपति की सवारी यानी कि मूषक। ये लीफ मैंने ले ली है, इससे बनाएंगे हम मूषक की बॉडी। ये अजवाइन लीफ ली है मैंने मूषक का सिर बनाने के लिए। कृष्ण तुलसी से बनाएंगे मूषक के कान। और पैर बनाने के लिए मैंने ली है नींबू की पत्तियां। और लेमन ग्रास से बनाएंगे मूषक की पूंछ। अगर आपके पास कोई और लीव्स हो आप उनसे भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें वही लीव्स चाहिए जो कि मैंने कही हैं। चलिए गणपति और मूषक महाराज के बाद हम आपको एक पक्षी बनाना और बताते हैं।
तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना सरल है लीव्स के जरिए अपनी क्रिएशन को, अपनी क्रिएटिविटी को आकार देना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बिखरी हुई पत्तियों को इधर उधर देखें तो उन्हें कूड़ा ना समझें, आप ये सोचें कि आप इनसे क्या क्या नया बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में क्ले बनानी सिखाई थी, तो ये गणपति मैंने उन्हीं क्ले से बनाए हैं। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप भी इको फ्रेंडली गणपति बनाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चल जाए।